स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस साल का आखिरी कारोबारी सत्र। जनवरी सीरीज की जो शुरुआत हुई है वो कुछ फीके नोट पर हुई है। निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों में मुनाफा वसूली का दबाव। निफ्टी आप देखेंगे 63 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ, 21700 को होल्ड करने की पूरी कोशिश में। वैसे डे हाई से हम करीब करीब 62 पॉइंट नीचे कर रहे हैं कारोबार। लेकर आइए निफ्टी बैंक का हाल। निफ्टी बैंक 48300 फिर 48200 को टेस्ट करता हुआ, इनफैक्ट 200 के नीचे 48191 के लेवल्स, और ये भी ऊपरी लेवल से अच्छा खासा फिसला है। आप मिड कैप इंडेक्स का हाल देखें तो मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी रेजिलियंस देखने को मिली थी। ये इंडेक्स करीब 100 पॉइंट ऊपर है। वैसे यहाँ पर भी एक नेगेटिव टिक देखा गया था और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। अब कुछ पॉकेट्स जहाँ पर दबाव बना है, एक तो HPBP, IOC ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, HPCL ताज़ा भाव करीब 4% नीचे है ये। इसके साथ ही BPCL 3% के नुकसान पर और IOC भी करीब 2% नीचे, जहाँ पर सीएमबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर की सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट कट की तैयारी में है। 10 रुपये प्रति लीटर कटौती हो सकती है, कुछ भार OMCs को भी बैर करना पड़ेगा। तो ये पॉकेट इसीलिए आज कमज़ोर पड़ा है। दूसरे पॉकेट्स जहाँ पर मुनाफा वसूली हो रही है उसमें सरकारी बैंक है, कुछ निजी बैंक भी है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रीब्यूटर्स अगर आप देखें तो SBI, कोटक जैसे काउंटर्स, ICICI और इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स थोड़े से बैकफुट पर है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में सेल साइड की पोजीशंस बन रही हैं। अब ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी? तीन जानकार जो इस हफ्ते मैदान में हैं, पंकज रांदर, रूपक डे और स्वाति साथ समित चौहान, तीनों के रिटर्न्स क्या बने हैं कल दोपहर 3:30 बजे तक, और आज की अप्रोच क्या रहेगी इसकी बातचीत होगी। अब 12% के रिटर्न्स पंकज ने कमाए, करीब 11% के रिटर्न्स समित के थे और लगभग 8% के रिटर्न्स रूपक के थे। तो अच्छे रिटर्न्स इन्होंने तीनों ने मिलकर आपके लिए कमा कर दिए हैं। आज जो मार्केट थोड़ा सा फिसला है उसे कैसे पढ़ा जाए? समित बताइए, कैसे देख रहे हैं आज की मुनाफा वसूली? देखिए हर्षदा, कल भी हमने जैसे बात की थी कि थोड़ा बहुत आपको हायर लेवल पे यस मुनाफा वसूली दिखेगी। थोड़ा एक कंजेशन जोन है 21800 और 22000 का एक बड़ा माइलस्टोन भी हम अचीव करने के नजदीक है। एक वन वे 3000 पॉइंट्स की रैली लास्ट 2 महीनों में दिखी है। एट द स्टार्ट ऑफ नवंबर सीरीज FIS का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो लगभग 11% के आसपास था, जो मल्टी ईयर लोज के आसपास था। वहां से अभी ये 70% तक आ चुका है, तो थोड़े बहुत ओवरबॉट हो चुके हैं मार्केट, तो हम एक मुनाफा वसूली जैन में देख सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना है यहाँ पे फिलहाल। तो अगर आज के लिए बात करें तो यहाँ पे 21650-70 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये अगर ब्रेक नहीं होता तो प्रॉब्ली हम 21650-21800 ये रेंज में कंसोलिडेट होते हुए देख सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक ही हमारी यहाँ पे रणनीति रहेगी। इंडेक्स स्पेसिफिक हैवीवेट्स थोड़ा हायर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक दिख सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रुझान निफ्टी का। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? डिप्स पर खरीद रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग पर ज्यादा फोकस है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए हर्षिता जी, कल भी हम लोगों की बात हुई थी सेम स्ट्रक्चर में। मार्केट तो बुलिश लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली 22000 का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लस्टर रहने वाला है। और ऑप्शन डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो 21700 से लेके 21950 तक के अंदर ही आज की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि आज के दिन में सेल ऑन प्राइस वाला मामला रहेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम लोग अगले वीक में हम लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि दोबारा बाइंग रिज्यूम होगी और अच्छे और भी मूव्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन दिन की बात जहां तक रहेगी वहां पे सेल ऑन प्राइस का मोमेंटम रहेगा। रूपक, आपकी अप्रोच? जी, मेरे हिसाब से निफ्टी 21650 और 21750 के बीच पे ट्रेड कर सकता है पूरा दिन, और 750 के ऊपर जाता है तो एक रैली देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द डे। तो ओवरऑल मेरा जो ट्रेड्स रहेगा पॉजिटिव साइड में रहेगा, लेकिन निफ्टी के बाहर ही रहने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि एक्शन वहीं पे बनेगा मुझे लगता है। ओके, तो देखते हैं अब अप्रोच क्या रहेगी। अच्छा, बाय द वे टॉप ट्रेड्स तैयार हैं हमारे जानकारों के, तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो GMR एयरपोर्ट जो पंकज जी ने दिया और दूसरा कोल इंडिया जो रूपक ने दिया। दोनों ने अच्छी खासी कमाई कल की। इनफैक्ट कल तो कोल इंडिया आई थिंक 4% तक के गेंस देकर गया है, तो आज की क्या सिचुएशन बनेगी उस पर करते हैं बात।
पहले तो लेकर आइएगा आप समित का पोर्टफोलियो, इन्होंने क्या क्या स्टॉक्स कल से आज में कैरी किए हैं, क्या हुआ है कल और आज के बीच, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक तो GSPL होल्ड कर रहे हैं, ये 348 इनका टारगेट है, स्टॉप लॉस 294 का। बोरोसिल रिन्यूबल्स जो कल दिया था उसमें से इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली है। समित, नया क्या ट्रेड है यहाँ पे? KRBL के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन करेक्शन के फेज में था। यहाँ पे लास्ट एक डेढ़ महीनों से हम एक अच्छी खासी बेस बिल्डिंग प्रोसेस देख रहे थे, उसके एक मल्टी ईयर लोज के आसपास 340-345 काफी एक सैक्रोसैंक सपोर्ट है इसके लिए। और आज सुबह से हम अच्छी खासी खरीदारी, तो एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, कुछ की मूविंग एवरेज भी इसने सर ट्रैवर्स किए हुए वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे KRBL का एक पोजिशनल टारगेट 422 का हम मान के चलेंगे, और यहाँ पे करंट लेवल पे अगर हम बाय करते हैं तो 358 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ओके, KRBL में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है, 358 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी का ये ट्रेड बनेगा, 422 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं पंकज का पोर्टफोलियो, और पंकज के पोर्टफोलियो में NMDC कल स्टील दिया था कल, और GMR एयरपोर्ट दिया था कल के कल ही, पोजीशन इनकी दोनों में कट गई है। पंकज, आज का नया सौदा? GAEL में काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। GAEL 365 के करीब करीब चल रहा है, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिली है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे 350 का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 395 तक के। फेंक देते नाम पर वो बाउंसर जाता है, हमारे डायरेक्टर साहब ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। क्या गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है? जी 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 मैम, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये आपके लिए वो ट्रेड अब स्क्रीन पर आ जाएगा, और आप कह रहे हैं 395 तक जाएगा और साथ ही साथ 350 स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है फिलहाल वो ट्रेड जो पंकज ने पिक किया है। रूपक के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लीजिएगा, और यहाँ पर आप गौर करें तो एक तो MCX ओपन है, MCX इनफैक्ट 2023 के आउट परफॉर्मेंस में शामिल था मुझे याद है। आज सुबह में कोल इंडिया और NBCC दोनों में पोजीशन काटी, कोल इंडिया में दरअसल प्रॉफिट बुक किया, NBCC में एग्जिट किया 8180 के लेवल्स पर। नया ट्रेड रूपक? मेरा नया ट्रेड रहेगा संवर्धन मदरसन। स्टॉक एक डेली चार्ट पे ग्रामोफोन पैटर्न बनाया और इंपॉर्टेंट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, मे बी नेक्स्ट वीक तक अच्छे खासे अपसाइड दिखेगा। 120 का टारगेट रहेगा और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 97 पे। 97 का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 120 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर, तो बाय साइड का ट्रेड ये बन रहा है। अच्छा, तीनों जानकार एक एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं, तो आपके पास कुछ ट्रेड आइडेंटिफाइड है, लेना चाहते तो ले लीजिए, तब तक हम एक कॉर्पोरेट स्कैन कर लेते हैं। और आज फोकस में है सैटिन क्रेडिट केयर। दरअसल कंपनी ने छोटे कर्ज देने के लिए कर्नाटका बैंक के साथ को लेंडिंग करार किया है। अब जब छोटा क्रेडिट की बात होती तो कितना छोटा क्रेडिट होगा और कितनी विजिबिलिटी है इन छोटे लोन्स की आगे, हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर HP सिंह जुड़ गए हैं। मिस्टर सिंह, स्वागत है आपका CNBC आवास पर। तो जब आपने ये छोटे क्रेडिट के लिए को लेंडिंग का करार किया है, किस टिकट साइज के लोन्स की हम बात कर रहे हैं? सो एवरेज टिकट साइज है तकरीबन 45,000 के आसपास है, एंड ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल माइक्रो फाइनेंस के लिए दिया जाता है। इसका जो मैक्सिमम टिकट साइज जिस पे हम जा सकते हैं वो तकरीबन 75,000-80,000 रुपीज ही रहता है, एंड ये छोटे कारोबार के लिए और छोटे किसानों के लिए और छोटे कारोबार जो भी रूरल में उसके लिए दिया जाता है। कंस्ट्रिंग हाल ही में RBI ने वो सब 50,000 वाले लोन्स पर रिस्क वेट्स कुछ बढ़ाए थे या फिर नॉर्मलाइज किए थे, क्योंकि पहले वो 125% ही हुआ करते थे, उसके मद्देनजर कितना रिस्क वेट आपको बढ़ाना पड़ सकता है, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इस टिकट साइज के लोन्स देने के लिए? तो जो रिस्क वेट्स बढ़े हैं वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए बढ़े हैं, परंतु उसके अंदर माइक्रो फाइनेंस लोन्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। सो हमारे रिस्क वेट नहीं बढ़े, हमारा रिस्क वेट अभी भी जो लेंडर देते हैं वो 100% पे ही है, वो 125% नहीं हुआ है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं ये एक्चुअली में इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए होते हैं, इसीलिए उसको इस रिस्क वेट से बाहर रखा गया है।
ओके फेयर इनफ, पॉइंट टेकन. तो सिंह साहब, इस तरह के लोन्स की कितनी विजिबिलिटी है? व्हाट अमाउंट ऑफ योर लोन बुक लार्जली केटर्स टू दीज काइंड ऑफ लोन्स, अगर उसका मुझे अंदाजा दे सके? और 2024, क्योंकि हम अब नए साल में उतर ही रहे हैं, किस तरह का ऑफटेक देखने को मिल सकता है इन लोन्स में? जी देखिए, हमारे 100% लोन्स इसी तरह के होते हैं. सो दीज आर प्रैक्टिकली कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस इनकम जनरेटिंग लोन्स. ये इसी तरीके से हम प्रैक्टिकली 24 स्टेट के अंदर और तकरीबन 1,00,000 गांव के अंदर ये लोन बांटते हैं. ये विजिबिलिटी इतनी है कि मतलब इसकी जो डिमांड, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2024 में क्या है, इसकी डिमांड की गाइडेंस हमने दे रखी है जो कि 25% प्लस के आसपास है. और इसकी डिमांड बिकॉज नॉर्मल मानसून हुए हैं और नॉर्मल लेवल्स ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है, तो इसकी डिमांड बहुत बहुत मतलब यू नो अच्छी आ रही है. एंड वी विल बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ दीज लोन्स बेसिकली फॉर दिस सेगमेंट, जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है, इसको देने के लिए रहेगा. सो 2024 इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ईयर इन टर्म्स ऑफ आर डिसबर्समेंट्स. सो रफली कितनी बढ़त की आप उम्मीद कर रहे हैं अपने लोन बुक में ओवरऑल? 25% प्लस की गाइडेंस है. 25% प्लस तक की गाइडेंस है. और रफली क्या मार्जिन्स आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से अगला साइकिल ऑफ कोर्स रेट कट्स का होपफुली शुरू होगा. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि व्हेन, कब वो शुरू होगा, नॉट इफ. तो ऐसी स्थिति में मार्जिन्स जो आपने अब तक एंजॉय किए हैं, वो क्या बरकरार रख पाएंगे? सो मार्जिन हमारे स्टेबल रहेंगे. अगर कोई रेट कट आता भी है, उसको हम एक्चुअली में बोरोअर को ही पास ऑन करेंगे. सो अगर हमारे लेंडर्स हमारे को कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे लेके आएंगे, तो हम अल्टीमेट बोरोअर को भी वो कॉस्ट ऑफ फंड उतनी नीचे लेके आएंगे. सो हमारा मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रहेगा. नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा तकरीबन 12.5-13% के आसपास है, एंड वो स्टेबल रहेगा, उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी. एंड दिस इज हाउ दिस विल पैन आउट. एनी रेट कट विच इज गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू बी पास ऑन टू द अल्टीमेट बोरोअर, कीपिंग द मार्जिन इंटैक्ट. वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा. मुझे सर एक अंदाजा दे सके, कंसिडरिंग आप माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं, आपका क्या एक्सपोजर एमएसएमई साइड पर भी है? वहां पर डिमांड की क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? सो हमारी जो सब्सिडरी है वो एमएसएमई लेंडिंग करती है. उसमें भी सेम जिस तरीके से हम देख रहे हैं छोटे कारोबार में मतलब इनकम जनरेशन के लिए काफी जरूरत पड़ रही है, एंड क्रेडिट फैसिलिटीज में काफी अच्छा टेक ऑफ है. एमएसएमई में भी इसी तरीके से काफी अच्छी टेक ऑफ है. हमारी एमएसएमई की बुक है वो तकरीबन 2,00,000 से लेके 3,00,000 तक के लोन्स देती है, एंड उसमें भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और बहुत पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डिसबर्समेंट्स. सिंह साहब, फाइनली मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी, ज्योग्राफिकली कंसिडरिंग इस साल हमने कुछ कुछ इलाकों में बाढ़ भी देखी विद रीसेंट बीइंग इन तमिलनाडु, क्या वहां पर आपका एक्सपोजर था? क्या रीपेमेंट्स पर इसका कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, बाढ़ की जब स्थिति होती है वो एक बड़े लिमिटेड पीरियड के लिए इम्पैक्ट होता है. सो आपका क्या होगा, आपका सर्टन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विल गेट डिलेड. जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है, बाढ़ का पानी उतर जाता है, वापस से आपका कारोबार और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है, वो जो पेंडिंग डिमांड है वो दोबारा वापस आ जाती है. सो इट इज, जिसको कहते हैं कि थोड़े से समय के लिए देर इज अ डिले, बट देर इज नॉट अ डिफॉल्ट विच विल हैपन. सो दैट इज हाउ बाढ़ की स्थिति में ये प्रैक्टिकली चीज होती है. तो कुल मिलाकर 2024 के लिए आपका आउटलुक यही रहेगा कि 25% तक की लोन ग्रोथ और मार्जिन्स में जितनी स्थिरता हो वो बरकरार रखेंगे. जी, बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए. विशिंग यू फॉर 2024. सैटन क्रेडिट केयर स्टॉक आपके सामने 240 के आसपास कर रहा है कारोबार. MFI बिजनेस में कंपनी है और एक डिसेंट लोन बुक में देखने को मिलेगा. जो गाइडेंस इन्होंने दिया था वो बरकरार रखेंगे. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.